हेलो, दिस इज़ रेड गियर A20 RGB माउस जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अब ये लगभग 2 साल हो चुके हैं और इसके स्क्रॉल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जैसे कि मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो, अगर देख रहे हो, मैं आप स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये कभी कभी ग्लिच कर रहा है, जो कि इसको डाउन स्क्रॉल भी करा दे रहा है डाउन। सो देखो, अगर आप ग्राफ देखोगे तो कभी कभी ये डाउन जा रहा है। सो ये हमेशा तो प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन ये एक्यूरेसी ख़राब होने की वजह से, लाइक जब मैं फ़ोटोशॉप वगैरह जूम आउट जूम इन करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग अभी इसको, मैं साफ़ करने की सोच रहा था कि साफ़ करके देखते हैं, शायद काम कर जाए, क्योंकि पहले कीबोर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैंने साफ़ किया था और काम हो गया था। सो अभी मैं इसे खोलने का ट्राई करूँगा। पता नहीं स्क्रू इसके नीचे हैं या इसके नीचे है, या फिर ये वाला पार्ट ये ओपन हो जाए बिना स्क्रू के, उसके अंदर स्क्रू हो सकते हैं। सो मैं थोड़ा फिगर आउट करता हूँ। मुझे कोई भी इंटरनेट पे इसके टीयर डाउन की वीडियो नहीं मिली है, तो अभी मैं इसे ट्राई करता हूँ ओपन करने का और आप लोग को दिखाता हूँ। सो मैंने इसके स्लाइडिंग पैड्स मैंने रिमूव किए, जो कि ग्लू से अटैच थे यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर 4 स्क्रू मिल चुके हैं। सो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखते हैं। तो स्क्रू मैंने खोल दिए हैं और अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। मैं ओपन करके बताता हूँ। जस्ट ऊपर लिफ्ट करो, एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ाऊँ इसलिए नहीं हो रहा है, पर सो ये रही इसकी हालत अंदर से। बहुत ज़्यादा कचड़ा है और इसमें एक्स्ट्रा वेट भी डाले हैं, तो मैं ये वेट भी निकाल दूँगा। मुझे लाइट माउस से लगता है। सो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ। सो मुझे प्रॉब्लम कुछ हद तक पता चल गई है कि जो ये सर्कुलर सेंसर है, इसके अंदर एक हेक्सागोनल शेप है जिसमें कि इसका एक्सल जाता है, और ये बराबर ना फिट नहीं आ रहा है, और ये ना कुछ सेगमेंट्स में काम करता है। मतलब ये छोटे छोटे सेंसर्स है या फिजिकल बटन्स है जो कि ट्रिगर होते हैं इसके घूमने से, और ये प्रॉपरली इसका एक्सल इसमें फिट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने जब अपने स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाने की कोशिश की तो ये परफेक्टली मतलब वर्क कर रहा था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक छोटा सा इसमें कोई कुछ ऑब्जेक्ट, छोटी सी पतली सी चीज़ें डाल के इसे टाइट बनाने वाला हूँ। को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मतलब थिक चीज़ें भी नहीं डाली हैं, नहीं तो वो सेंसर फट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करके मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो मैंने, अगर तुम देख पा रहे होगे, तो एक छोटी सा लकड़ी मैंने फंसाया एक्सल में और अब ये इसमें टाइट हो चुका है। सो अभी काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी मैं इसको पूरा असेंबल करता हूँ वापस से, और मैं थोड़ा काम करके देखता हूँ कि कैसा आ रहा है। ओके, और बाय द वे मैंने ये एक्स्ट्रा वेट्स निकाल दिए। मुझे हल्का माउस पसंद है, मुझे पहले पता होता तो मैं पहले निकाल देता। तो अब मैं इसको पूरा असेंबल करता हूँ, थोड़ा यूज़ करता हूँ और बताता हूँ कैसा रहा। माउस वापस असेंबल हो चुका है, मैंने सारे स्क्रू लगा दिए और अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही इतनी, बहुत मिनिमम सी आ रही है अभी भी। तो मुझे लग रहा है वो सेंसर या जो बटन है सर्कुलर, जो उसका रोटेशन चेक करता है, उसमें प्रॉब्लम है। पर हाँ, अब यूजबल है, मतलब पहले जैसा अनोइंग नहीं है ये, तो मैं शायद इसे कुछ महीने और चला सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय द वे, चैनल रिपेयर से
कनेक्टेड नहीं है, मतलब मैं रिपेयरिंग की वीडियो ऐसे डाल देता हूँ जो मुझे खुद फेस होती है। मैं ये वेब डेवलपर हूँ और उससे रिलेटेड अगर तुमको कुछ देखना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे, जो माउस पैड है इसके लिए ग्लू आता है, केमिस्टिक या फिर फेबी बॉन्ड करके आता है, फेविकॉल का, तो उससे मैं ये वापस चिपका लूँगा। और वेट निकालने के बाद काफ़ी हल्का लग रहा है, तो चलो थैंक यू। सो अपडेट है कि इसको प्रेस करने वाला जो थर्ड बटन वाली एक्टिविटी होती है, स्क्रॉल को दबाने वाली, वो बहुत ही हार्ड प्रेस करने के बाद हो रही है। शायद मैंने उसको एक्सेल में ज़्यादा कुछ टाइटली बाइंड कर दिया है, पर चलेगा क्योंकि मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसको दबाने वाला क्लिक। तो मुझे स्क्रॉल बढ़िया चाहिए था जो कि मिल चुका है मुझे, पर फिर भी मुझे माउस तो चेंज करना ही होगा, ये इसकी एंड ऑफ लाइफ है काइंड ऑफ।